अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, संडे का दिन है। टोपी मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि जिस्म जो होता है वो रज़ाई के अंदर होता है, लेकिन सर नंगा होता है तो ठंड सी लगती रहती है। अब क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि टेम्परेचर जो है वो -20 से ज़्यादा गिर गया हुआ है, -25 तक है, तो इसीलिए सारी रात मैंने हीटर लगा रहने दिया है। तभी जाके मुझे नींद आई। अब सुबह सुबह मैंने ये जलाया है, ये थोड़ा एप्पल सेंट है। ये देखें बाहर जो सिचुएशन है ना, हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन गाइस इस धूप में कोई तपिश नहीं है। अभी भी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं ये जो हीटर मैंने ऑन किया हुआ है ना, हीटर को फॉर एग्जांपल मैं बंद करता हूँ ना, हालांकि ये एयर टाइट रूम्स हैं, आपने देखा है मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, हालांकि बाहर -25 है, लेकिन फिर यहाँ पे अंदर हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो जाती है। तो यार ये तो शुक्र है कि थोड़ा वीकेंड आया है, थोड़ा सुकून मिला है, काम वगैरह पे नहीं गए तो बड़ा आज रेस्ट की है। अब थोड़ा खाने पीने का काम करना है, तो यार अब बस किचन की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये आगे किचन में यहाँ पे ये दूध रखा है। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सुबह सुबह नहीं दिल करता कोई हैवी चीज़ खाने को, तो इसलिए मैं बनाऊँगा बनाना का शेक, जो कि सुबह सुबह इजी होता है। ऐसे बनाना डाल के, अब इसमें ना मैं डेली ये करता हूँ, ये काजू होते हैं, 10-12 बादाम होते हैं, और उसके अलावा दो अखरोट होते हैं। ये सब कुछ मैं डाल के ना इनका शेक बनाता हूँ। तो यार ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, ओट्स होते हैं ये, तो ये तो लाजमी डालने हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मिकदार नहीं डालता, मैं थोड़ी सी डालता हूँ इसकी, ओट्स की मिकदार। तो ये डाल के फिर आगे से डालना होता है मिल्क, इससे चलो जी मिल्क हो गया। अब इसको ब्लेंड करेंगे और इसकी स्मूथी बनाएंगे। तो यार ये हो गया रेडी शेक। इसको पीते हैं यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि कोई जो चीज़ है ना जिसमें चुबाना ना पड़े किसी चीज़ को, तो वो चीज़ खाई जाए। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी काफ़ी होती है, जो बनाना होता है उसकी वजह से आपको मैग्नीशियम और एनर्जी काफ़ी मिल जाती। तो आई थिंक सो कि ये काफ़ी बेहतर होता है, और मैं अगर ये पी लूँ, मैं तो डेली बेसिस पे करता हूँ, मेरा तो थोड़ा सा पेट भी निकल आया इस वजह से। तो ये अगर यानी कि डेली बेसिस पे पियो तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और आपको ये एक वक्त की मील है, आपको फिर भूख लगती है दोपहर के 2-3 बजे जाके। तो लेकिन सामने एक चिमनी जल रही जहां से धुआं निकल रहा है। नॉर्वे में ना जो संडेज होते हैं ना आपके, वो बेसिकली बहुत बोरिंग होते हैं अगर आप सर्दियों में हैं तो, क्योंकि सर्दियों में आप लोगों ने घर से बाहर तो नहीं निकलना, सर्दी इतनी है, तो इस वजह से ना नॉर्वे में जो सर्दियां होती हैं ना वो काफ़ी डिप्रेसिव हो जाती हैं, क्योंकि हर बंदा अपने घर में कैद है ना, वो कहीं बाहर जा सकता। अब देखें ना मौसम ऐसा है
कि मैं बाहर इंजॉय करने भी नहीं जा सकता, मतलब किसी होटल में जाना है मुझे, बल्कि रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने के लिए, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ना है, जो थर्मल कपड़े हैं पहले वो पहनने पड़ने हैं, उसके ऊपर फिर मुझे दूसरे कपड़े पहनने पड़े हैं। तो वो बंदा इतनी अजियत सोच के जाता ही नहीं, बंदा कहता है ठीक है एक ही दिन है छुट्टी का, तो घर में याशी करते हैं। तो यार बैठे बैठे ना मैं बोर हो गया, और लैपटॉप अभी मैंने चलाया थोड़ा सा, और कुछ है नहीं, बाहर मैं जाऊंगा नहीं, सर्दी बहुत है, कमरे में हीटर चलाया हुआ है तो कमरा काफ़ी गर्म है, तो और क्या करना है इस वक्त, अभी आधा दिन पड़ा हुआ है, तो अब बस सोने लगूं यार मैं ना। मैं अब सोने लगूं। तो यार गाइस अब फाइनली रात हो चुकी हुई है, हालांकि सिर्फ 3-4 बजे हैं अभी, और क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, खाने को कुछ है नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि फ्रीज़र में ना सर्दियों की वजह से पहले ही सामान ला के रखा हुआ था, ये गोश्त है जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसमें ना पानी डाल के मैं रख दूँगा तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा। उसके अलावा मैं चावल भी भिगो के रख दूंगा, फिर चावलों के साथ आज जो होता है ना मटन वाली पुलाव वो बनाऊंगा आज मैं। ये नगेट्स भी पड़े हुए हैं, ये मैं बाद में बनाऊंगा, अभी चावलों को देख लेते हैं। तो इस तरह मैं ना चावल भिगो के रख दूंगा, तो ये संडे की रूटीन है, कि संडे वाले दिन जो होता है ना, बाकी दिनों में इतना टाइम नहीं होता, तो संडे वाले दिन बंदा सुकून से खाना शाना बनाता है, बल्कि इतना खाना बनाता है कि अगले जो वीक के जो पहले 3 दिन होते हैं ना उस वक्त तक का भी खाना बना लेता है बंदा। तो यार ये प्याज अब हो गए हैं, प्याज मैं डाल रहा हूँ घी में, यहाँ से इन प्याजों को हम थोड़ा सा भूनेंगे। क्योंकि यार गाइस वो जो है ना गोश्त गोश्त बिल्कुल नरम हो गया होगा, तो अब मैंने कहा कि पहले इनको अच्छी तरह भून लूँ, और गोश्त को मैंने ना उसका पानी निकालना है, ये मैंने गोश्त का पानी निकाल लिया, तो अब मैं इसको इधर रख लूँगा ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए, जब खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं डालूँगा इसको सब इसमें प्रेशर कुकर में। ये देखें जी गोश्त की हो रही बनाई, क्योंकि मैं रहता हूँ ना अकेला, तो इसलिए मैं खाना उतना बनाता हूँ जितना फ्रेश फ्रेश मैं यूज़ कर सकूँ। अब जैसे कल मैंने काम पे जाना है, तो जब काम पे जाऊंगा फिर वहां से मैं कुछ खा पी लूंगा, तो मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बस मैं इतना बना रहा हूँ कि ये सिर्फ 2 टाइम चलेंगे चावल ना। तो इसकी बनाई होके फिर इसमें चावल डालूंगा, तो फिर जाके ना पुलाव शलाओ रेडी होगा। अब इसको ना कुकर को बंद करके ना इसको गालना है। तो यार ये देखें मटन हो गया था पूरा ना गल चुका हुआ था, तो मैंने ना फिर अब इसमें ना राइस डाल दिए, इसमें नमक शमक भी डाल दिया मैंने, अब इसको दम पे लगाना है।
मुझे लगता है यार पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं इतना भी ज्यादा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हो गया अब 2 साल का, तो पानी नहीं सही सही है। अब जैसे ही ये थोड़े से फूलेंगे ना तो फिर इनको दम पे लगाना है और उसके 20 मिनट बाद ये खाने के लिए तैयार। तो यार ये देखें अब जो है ना चावल ऑलमोस्ट फूल गए हुए हैं और इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसलिए ना यहाँ पे ये मैंने बना के रखा है, ये इसके ऊपर हम दे देंगे और इसको अब 20 मिनट तक हम ऐसे नीचे से आंच जो है वो एक पे कर देंगे और इसको अब 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। फिर जब 20 मिनट बाद जो है ये खाने के काबिल हो जाएंगे। मैं बहुत भूख लगी हुई, मुझे बहुत भूख लगी माँ जी। तो यार 20 मिनट पूरे हो गए हैं, आप देखते हैं कि क्या बना चावलों का। ओए फिल्टर कर लेते हैं, यार चावल तो VIP किस्म के ना बन के तैयार हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो यार अब बन गए हैं चावल, अब चावल खाएंगे उसके बाद, क्योंकि अब रात भी हो गई है। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगे हैं चावलों पे। पहले गोश्त को प्रेशर कुकर पे रखा तो 15-20 मिनट उसके लगे, उसके बाद फिर उसको पानी सुखाया, फिर उसको चावल डाले, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया। तो बस इसी तरह अब दिन भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये देखे ना रात सारी हो गई है, बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्नो स्नो। अगर आप ये देखें, आपको ये नजर आ रही धुआं उड़ता हुआ ना, तो बस अब ये खा के सोएंगे, फिर कल से नॉर्मल वीक शुरू हो जाएगा, दोबारा वही रूटीन। इंशाल्लाह कुछ नया करने को मिलेगा उस रूटीन में। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का इंशाअल्लाह मुलाकात होती है।